आज हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा जिला हमीरपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सहयोग से हिमाचल प्रदेश क्लब फुटबॉल लीग शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश क्लब फुटबॉल लीग के शुभारंभ पर पूर्व में खेलों में हिमाचल का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व कर चुके वर्तमान में प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी नरेंद्र अत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। खेल मैदान पहुंचने पर आयोजन समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ कोषाध्यक्ष नरेश राणा, जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार, फुटबॉल कोच एसडी शर्मा की अगुवाई में मुख्य अतिथि नरेंद्र अत्री ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आयोजन समिति द्वारा मुख्य अतिथि नरेंद्र अत्री को शॉल टोपी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिला फुटबॉल संघ के महासचिव संजेश चंबाल ने मुख्य अतिथि नरेंद्र अत्री का स्वागत करते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में वे युवा विकास के क्षेत्र में बतौर खिलाड़ी, छात्र नेता, युवा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता पिछले 3 दशकों से नरेंद्र अत्री की सक्रिय एवं जिम्मेवार भूमिका के वह खुद साक्षी है व इनका इस क्षेत्र में योगदान अत्यंत सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ द्वारा जिला हमीरपुर फुटबॉल संघ के सहयोग से आज शुरू हो रही इस हिमाचल प्रदेश क्लब फुटबॉल लीग के शुभारम्भ पर मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आशा व्यक्त करता हूं कि अपने प्रदेश के युवाओं को खेल के माध्यम से मंच प्रदान करने का जो बीड़ा फुटबॉल एसोसिएशन ने जिला स्तर पर प्रदेश स्तर पर उठाया है, ये इनका अभ्यास प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि खेल का मैदान ही है जहां से सीखकर नौजवान युवा अपने जीवन में आने वाले समय में अनुशासित होकर संघर्ष करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। वह अपनी निजी लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ अपने समाज व राष्ट्र के प्रति भी अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं आयोजकों को, जिला फुटबॉल संघ को, प्रदेश फुटबॉल संघ को कि उन्होंने इस फुटबॉल लीग को शुरू किया है, शुभारंभ किया है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये लीग इसी तरह शानदार तरीके से आयोजित होकर अपने प्रदेश के खिलाड़ियों को जो मंच प्रदान करने का इन्होंने क्रम शुरू किया है, ये जारी रहेगा। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए टोनी देवी से सुमित कुमार के रिपोर्ट। मंडी लोकसभा के मुद्दों पर कांग्रेस, भाजपा और आपके बीच बड़ी बहस। दिनांक 25 अप्रैल 4:30 बजे से स्थान सेरी मंच मंडी। लाइव प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर एक साथ, जहां जनता का पक्ष रखेंगे मनोज ठाकुर और मुकुल देव राष्ट्रपति। डिबेट के बीच ऑनलाइन वोटिंग और जनता को सवाल पूछने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें